बच्चों कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का आपके अपने चैनल आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में गॉस के थ्योरम के या गॉस की जो प्रमेय पढ़ी थी हमने उसके अनुप्रयोग देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उसका पहला अनुप्रयोग, अनंत विस्तार के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जो दोस्त नए जुड़े हैं चैनल पे वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। या जो हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कंटिन्यूस में चैनल से जुड़े हुए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और जल्दी से जल्दी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। आज का देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग की बात करें तो इसमें पहला अनुप्रयोग है अनंत विस्तार के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? अनंत विस्तार के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पहला अनुप्रयोग है जो 2014 में आया हुआ है, फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम 2016 में भी आया हुआ है, फिर आरबीएससी मेंस एग्जाम 2017 में आया हुआ है। तो ये आपके लिए 2017 के बाद अब जो एग्जाम लगेगा इसके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। क्या है? अनंत विस्तार के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने से पहले हमने माना कि एक अनंत विस्तार का चालक तार है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो ये आवेश चालक तार की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अगर ये लंबाई के अनुदिश वितरित होता है तो इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? फिर से सुने क्या बताया, माना एक अनंत विस्तार का सीधा चालक तार है जिसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश चालक तार की लंबाई के अनुदेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः रेखीय आवेश घनत्व जो आएगा, रेखीय आवेश घनत्व क्या आएगा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, ये रेखीय आवेश घनत्व हो गया। तो अगर आप यहां से आवेश की गणना करते हैं तो क्यू इज इक्वल टू बनेगा आपके पास लैम्डा एल। ये पहली इक्वेशन हो गई, पहला समीकरण हो गया। बात आपको क्लियर होती है, ये पहला समीकरण हो गया। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको यहाँ पे विजुलाइज करता हूं, ये हमारा तार हो गया चालक तार, इसकी एक परिमित लंबाई ले ली, एक नियत लंबाई ले ली एल लंबाई का। इस एल लंबाई के चालक तार के कारण से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हम चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो इस एल लंबाई के तार के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इस पर दो छोटे छोटे भाग ले लिए, डीएल लंबाई के दो अल्पांश ले लिए, इसका आवेश हो गया डी क्यू और इसका भी आवेश हो गया डी क्यू, ठीक है, इसका आवेश डी क्यू और इसका भी आवेश हो गया डी क्यू, ये इसके मध्य बिंदु से समान दूरी पर। समझिए पहले, फिर ये आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। तो एल लंबाई का एक चालक तार हो गया, इस पर हमने क्या किया, एक प्लस क्यू आवेश दिया तो लंबाई के अनुदेश वितरित हो गया। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। तो इस पर हमने दो अल्पांश या बिंदु आवेश माने DQ और इनसे एक बिंदु P पर, इन दोनों अल्पांश आवेशों के कारण बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और धनावेश के कारण इसकी दिशा आवेश से दूर की ओर जाएगी, तो DE पर ये वाला कोण हमने मान लिया ये थीटा है। इसी प्रकार इस बिंदु आवेश DQ के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और इसके कारण भी तीव्रता कैसे जाएगी, दूर की ओर जाएगी और ये हमने लिख दिया DE2। अब देखिए सिमेट्री से ये अगर पूरी दूरी L है तो यदि L by 2 हो जाएगी, ये R है तो ये वाली दूरी क्या जाएगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल वाई टू का होल स्क्वायर। फिर से समझे, या आप ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको, ये दूरी मैंने एल मान ली तो ये भी दूरी एल हो गई, ठीक है, ये दो आवेश ले लिए तो ये रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा और ये भी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। ये वाली दूरी क्या आएगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊं इसके अक्ष को, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा, और ये थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये बात क्लियर है? अच्छा जी,
अगर हमें यहाँ पे डीई वन और डीई टू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डीई वन या डीई टू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला आता है आपका के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो के डी क्यू अपॉन में क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगा आपका। तो जितनी तीव्रता ये DE1 आ रही है सेम ये DE2 आ रही है। अच्छा जी, अब हम इसको DE1 को क्या करते हैं, दो कंपोनेंट बनाते हैं, दो घटक बनाते हैं इसके। तो इधर की तरफ आएगा इसका DE1 cos थीटा और ये वाला घटक आएगा आपका DE1 sin थीटा। सेम हम ऊपर वाले को दो कंपोनेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला घटक जो आएगा ये आएगा आपके पास DE2 sin थीटा और ये वाला घटक किसका आएगा DE2 cos थीटा। तो देखिए यहां से DE1 और DE2 बराबर है, मतलब ये जो घटक आएगा DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है। ये जो कंपोनेंट आएगा DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, अतः ये दूसरे को निरस्त कर देते हैं और परिणामी जो तीव्रता आएगी वो किस घटक के कारण आएगी, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा के कारण आएगी। ऐसे ही इस पर कई सारे घटक ले सकते हैं, इसका मतलब परिणामी तीव्रता कैसे आती है, अलोंग द अक्ष आती है, मतलब जो आपने अनंत विस्तार का रेखीय आवेश लिया हुआ है, अनंत विस्तार का जो रेखीय आवेश लिया हुआ है इसके लंबवत आती है परिणामी तीव्रता। कैसे आती है, इसके लंबवत। ये वाले अक्षों के अनुदिश जो तीव्रता आएगी वो क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी, मतलब इसके समांतर लंबाई के समांतर जो बिंदु आ रहे हैं DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा वो कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए निरस्त हो जाते हैं। तो परिणामी तीव्रता जो आएगी आपके पास वो किसके कारण आएगी, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा के कारण आएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर हम यहाँ पे आगे बात करेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से विजुअलाइज। फिर आगे ध्यान दीजिए, जब भी हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे तो हमने ऐसा पढ़ा था कि आवेश कहाँ होना चाहिए, बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए और जिस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित होता है उस बंद पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं उसको, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, क्योंकि गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट होता है किसे, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश के एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमें एक बंद, ये जो भी आवेश है उसको एक बंद पृष्ठ के अंदर लाना होगा और उस बंद पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ कहते हैं उसको, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, उस बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि हमें जो आवेश यहाँ पे इस आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण जो तीव्रता आएगी वो हमेशा दूर की ओर आएगी। ये सभी में काम करेगा आपका, ये अनंत विस्तार के चादर में भी काम करेगा, दूर की तरफ तीव्रता आएगी। ये बात क्लियर है आपकी, तो ध्यान दें अब इस बात को, आपको अच्छे से विजुलाइज कर लें। अब हम देखते हैं अनंत विस्तार के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने माना एक अपरिमित लंबाई का चालक तार है, जब इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश चालक तार की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अतः रेखीय आवेश घनत्व आएगा लैम्डा बराबर क्यू बाय एल और इसका गुणा किया तो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, समीकरण नंबर एक। अब हमने क्या किया, इस रेखीय आवेश से स्मॉल आर दूरी पर, रेखीय आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, रेखीय आवेश से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस बिंदु पी पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, इस आर को त्रिज्या मानते हुए एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं, ये समझ लिया आपने। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि जो स्मॉल आर है उसको एक त्रिज्या मानते हुए हमने क्या किया, एक बंद गॉसियन पृष्ठ बना दिया यहाँ पे। तो आर को त्रिज्या मानते हुए रेखीय आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस आर दूरी पर स्थित बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तब हमने क्या किया, आर को त्रिज्या माना और यहाँ पे क्या किया, एक बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर दिया या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया।
तो देखिए आपने यहाँ पे एक बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ हम बनाएंगे। ये हमने इस आवेश को क्या किया, एक बंद गॉसियन पृष्ठ के अंदर रख दिया। अब जैसे ही आप इसको बंद गॉसियन पृष्ठ के अंदर रखेंगे, इस तरह से हमने ये बंद पृष्ठ बना दिया, ये बंद पृष्ठ के अंदर आवेश को रख दिया। सेम अदर साइड भी बना सकते हैं हम, इधर भी हमने एक बंद पृष्ठ बनाया सेम डिस्टेंस पर, यह गॉसियन पृष्ठ बना दिया। ये बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ बनाने के बाद हमने इसको इस आवेश को क्या किया, बंद पृष्ठ के अंदर बंद कर दिया। ये इस आवेश को हमने क्या किया, एक बंद गॉसियन पृष्ठ लिया था उसके अंदर रख दिया। अब जैसे ही आपने इसको बंद पृष्ठ के अंदर रखा तो हमने ये देखिए ये बंद पृष्ठ बना दिया इस तरह से। इधर भी एक हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ बना दिया इस तरह से। तो हमारा आवेश क्या हो गया, बंद पृष्ठ के अंदर हो गया। ये बात आपके पास क्लियर है? अच्छा, तो क्या बताया था, आर को त्रिज्या मानते हुए हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ बना दिया, गॉसियन पृष्ठ बना दिया। अब देखिए आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है एवं इसकी दिशा हमेशा दूर की ओर होगी। तो हमने ये बंद पृष्ठ तो बना दिया, ये बंद गॉसियन पृष्ठ बना दिया, ये बात क्लियर हो गई। एक पृष्ठ ये बन गया। अब जो तीव्रता की दिशा है वो कैसे जाएगी, दूर की ओर जाएगी। और इधर ही क्यों बना रहे हैं, आपको अभी रीजन बताया मैंने। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ बन गई। अब अगर मैं इस सतह पर अभिलंब बनाऊं तो इसी दिशा में बनेगा और इसी दिशा में बनेगा, तो ये एन कैप हो गया। और इस पृष्ठ का हमने नाम दे दिया DS1, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिया DS। सेम आप यहां पर भी इस सतह पर भी एक और अभिलंब बनाए, तो इस सतह की बात करूं तो इस पर एक और छोटा सा अल्पांश भाग ले लिया, उस भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ आएगी E वेक्टर। और इस सतह पर अगर आप अभिलंब बनाएंगे तो ये ऊपर की तरफ बनेगा N कैप, ठीक है। और इस सतह का नाम दे दिया हमने DS2। क्या नाम दे दिया सतह को, DS2। फिर देखिए एक और सतह हमने ये वाली बना दी, इस सतह को हमने यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आएगी, दूर की ओर आएगी E वेक्टर। और सतह पर अगर मैं अभिलंब बनाता हूं, इस सतह पर अभिलंब बनाता हूं तो इस तरह से बनेगा N कैप। और इस सतह का आपने नाम दे दिया क्या, DS3, ठीक है। क्या नाम दे दिया, DS3। तो ये तीन सतह हो गई, इसको नाम दिया हमने DS3, ये DS2 और ये DS1, ठीक है। फिर से ध्यान दे, कंप्लीट फिगर बन गया हमारा। फिर से ध्यान दे, हमने क्या किया, हमने अभी विजुलाइज किया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कैसे होती है, दूर की ओर होती है। कैसे होती है, दूर की ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर हो गई, इस पर अभिलंब बना दिया। ये दूसरी गोलीय पृष्ठ हो गई, इस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हो गई, दूर की ओर हो गई। और इस पर भी एक अभिलंब बना दिया, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर हो गई, इस पर भी एक अभिलंब दूर की तरफ ऐसे बना दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस बंद गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो हमने लिखा बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो हम देखेंगे कि बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरता है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला अगर फ्लक्स ज्ञात करते हैं तो वो फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा फाइ बराबर पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था उसमें आपको ये फॉर्मूला बताया था। जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो क्या करें, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से पुराने लेक्चर देखें, तब आपको ज्यादा अच्छा और समझ में आएगा। फिर देखिए आगे, अब अगर ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है तो हमको तीन सेक्शन अलग करने, एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया और एक सेक्शन ये हो गया। मतलब एक गोलीय पृष्ठ हो गई, ये भी गोलीय पृष्ठ हो गई और ये बेलनाकार सममिति बन रही है तो ये उसकी बक पृष्ठ हो गई, ठीक है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए हमने लिखा फाई बराबर समाकलन S1 पहली सतह और ये आ जाएगा ई वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर। ये पहली सतह हो गई, प्लस लगाया। अब हम दूसरी सतह की बात करेंगे तो S2 ई वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर, ये दूसरी सतह हो गई, ठीक है। फिर हम प्लस लगाएंगे। अब हम तीसरी सतह की बात करेंगे तो तीसरी सतह के लिए हमने पृष्ठीय समाकलन S3 ई वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर, ये तीन सतह हो गई। तीनों को हमने अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। एक ये S1 सतह हो गई, ये S2 सतह हो गई और ये S3 सतह हो गई। इतनी बात आपको क्लियर हुई।
ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन एस वन। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, यहां पे ये सरफेस इंटीग्रेशन एस वन हो गया ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस आपको पता है जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो हमने लिखा यहां पे ई डी एस वन कॉस जीरो डिग्री। देखिए दोनों समांतर आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब एस वन सतह पर, इसलिए कॉस जीरो डिग्री। प्लस दूसरे सरफेस के लिए देखें, एस टू सतह के लिए देखें, देखें एस टू सतह के लिए तो एस टू सतह ये हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब लंबवत है तो हमने लिखा ई डी एस टू कॉस 90 डिग्री, ये सेकंड सरफेस हो गई। फिर नेक्स्ट सरफेस की बात करें तो हमने एक और प्लस लगाया यहां पे और सरफेस इंटीग्रेशन एस थ्री, और हमने यहां पे क्या लिखा ई डी एस थ्री, क्या लिखा ई डी एस थ्री। अब देखिए तीसरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल फिर से परपेंडिकुलर हो गए तो कॉस 90। ये मैंने तीनों सरफेसेस की बात कर ली, ये बात क्लियर है आपको, ये बात क्लियर है इतनी। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो हमको पता है फ्लक्स फाइ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन एस वन ई डी एस वन, बताइए कॉस जीरो कितना होता है वन, कॉस जीरो कितना होता है वन, प्लस ये बन लिख दिया हमने प्लस कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। कॉस 90 कितना होता है जीरो, कॉस 90 जीरो तो ये आपका कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। फिर से कॉस 90 जीरो तो ये भी कंप्लीट टर्म जीरो हो गया, ये वाली बात आपको क्लियर है। ये कॉस 90 जीरो तो ये जीरो आ जाएगा, ये भी कॉस 90 जीरो तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए कि जो फ्लक्स है वो कितना आया, फ्लक्स आया फाइ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एस वन ई डी एस वन, ये आपका फ्लक्स आ गया। फिर देखिए फिर आगे समझिए, अगर हम इसको आगे लिखेंगे तो ई कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट है तो हमने उसको बाहर लिख दिया और यहां पे सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा एस वन का और इसको हमने लिख दिया डी एस वन। जब आप इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका फ्लक्स आएगा फाइ इज इक्वल टू ई इंटू टू पाई आर एल, कितना आएगा 2 पाई आर एल। अगर इसकी लंबाई हमने कितनी मान ली है, यहाँ पे जितने पार्ट पर आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो उसकी लंबाई हमने क्या ले ली एल, इस जितने पार्ट पर भी हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ये फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं इसकी लंबाई हमने एल ले ली है, यहां से ये लंबाई होगी एल। तो ये फॉर्मूला आएगा पृष्ठीय समाकलन का 2 पाई आर एल। ध्यान दीजिए कैसे आया, क्योंकि जब भी आप पृष्ठीय समाकलन करोगे डीएस वन का तो यह जाएगा 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है बेलन का बक पृष्ठ है, कौन से पृष्ठ से फ्लक्स निकल रहा है बक पृष्ठ से, तो बेलन का वक पृष्ठ, बेलन का बक पृष्ठ, बेलन के बक पृष्ठ से फ्लक्स निकल रहा है, इस कारण से ये हमारा 2 पाई आर एल आ गया, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 2। समझता हूं इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब हम चर्चा करते हैं इसके आगे, तो देखिए ये आप याद रखिए कि Q इज इक्वल टू लैम्डा एल होता है, ये पहली इक्वेशन आई थी हमारी Q इज इक्वल टू लैम्डा एल, ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी, ठीक है। अब समझते हैं इसके आगे, फिर से समझाता हूं एक बार। देखिए एक रेखा आवेश था, हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो लंबाई पर वितरित हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल और क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। अब हमने क्या किया, गॉस की प्रमेय कहती है कि जो आवेश है वो बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे सिमेट्रिक गॉसियन पृष्ठ बना दी, एक बंद पृष्ठ बना दी, एक गॉसियन पृष्ठ बना दी, तो मैं कहूंगा कि बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो फाइ इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन E डॉट ds। अब हमारे जो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है उसमें तीन सेक्शन है, एक ये वक्र पृष्ठ है, एक ये गोली सतह है और दूसरी ये गोली सतह है। तो इस वक्र पृष्ठ की बात करता हूं तो हमने लिखा E डॉट ds वन, पहली वक्र पृष्ठ आ गई, दूसरी ये वाला सर्कुलर सेक्शन है और एक ये सर्कुलर सेक्शन है। इसकी बात करें तो हमने लिखा E डॉट ds2 दूसरे सर्कुलर सेक्शन हो गया, तीसरे की बात करें तो E डॉट ds3 ये तीन सर्कुलर सेक्शन हो गए। अब आप एक एक करके यहाँ पे एंगल देखें तो देखिए डॉट हटाएंगे तो कॉस आएगा, तो वक्र पृष्ठ पर देखिए तीव्रता और अभिलंब समांतर है तो कॉस कितना बना जीरो डिग्री, इस गोलीय पृष्ठ पर देखिए तो तीव्रता और अभिलंब लंबवत है तो कॉस कितना बनेगा 90 डिग्री, इस पर देखिए तो तीव्रता और अभिलंब लंबवत है तो भी 90 डिग्री,
कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो ईडीएस वन आ जाएगा, कॉस 90 जीरो, इस कॉस 90 को हमने क्या लिखा, जीरो लिखा। फिर देखिए ये आपका क्या बनेगा, ईडीएस वन, ई एस वन के रिस्पेक्ट में करें तो ई कॉन्स्टेंट है, सरफेस इंटीग्रेशन डी एस वन, डीएस वन का जो पृष्ठीय समाकलन होगा वो टू पाई आर एल हो जाएगा, क्योंकि ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है तो हमने इसको टू पाई आर एल लिख दिया। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं इसमें, तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक शेयर करते जाएं, अपने दोस्तों में लाइक शेयर करते जाएं, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, गॉस की प्रमेय से, आगे इसमें लिखेंगे गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से, गॉस के नियम से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स गुजरता है, फ्लक्स फाई बराबर वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमने यहाँ पे लिखा समीकरण दो एवं तीन से, समीकरण दो एवं तीन से, दो और तीन से अगर हम लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, दो और तीन से तो हम लिखेंगे E इंटू टू पाई आर एल इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये दो और तीन से लिख दिया क्योंकि ये दोनों फ्लक्स फाई के मान हैं, इसको अपॉन में भेज दिया तो ये तीव्रता बनी E इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर एल, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पे Q का मान रख दिया समीकरण एक से, तो हमने लिखा Q का मान, Q का मान समीकरण एक से रखने पर, Q का मान कहां से रख रहे हैं, समीकरण एक से रखने पर, अगर आप Q का मान समीकरण एक से रखेंगे तो देखिए ये बनेगा E इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, Q की जगह क्या लिखा लैम्डा एल, क्योंकि वैल्यू क्या है लैम्डा एल हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय आर एल, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया तो आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई, या आपको क्या प्राप्त हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय आर एल, या वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई आपके पास इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गई वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, लैम्डा अपॉन आर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको प्राप्त हो गई। अब अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मैंने मल्टीप्लाइड बाय टू कर दिया तो ये फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और डिवाइड बाय टू कर दिया, डिवाइड टू करेंगे तो यहां आ जाएगा, और टू से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन आर, और हमको पता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के, तो टू के लैम्डा बाय आर, ये आपका फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया टू के लैम्डा बाय आर। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिमित लंबाई की रेखा आवेश के कारण प्राप्त हो जाती है। फिर देखिए यहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी पर मतलब ये प्रेक्षण बिंदु रेखा आवेश से जितना दूर लेंगे, जितनी दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, जैसे जैसे ये r दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। ये बात आपको क्लियर हुई। तो देखिए अगर आपसे ग्राफ बनवा दें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में, किस किस में ग्राफ बनवा दें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में अगर आपसे ग्राफ बनवा दें तो आपको एक अति परवलयकार ग्राफ प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार का आपको ग्राफ प्राप्त हो जाएगा, अति परवलयकार ग्राफ प्राप्त होगा, इस प्रकार का आपको ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, यह हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स अक्ष है, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, तो इस प्रकार का आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, अपरिमित लंबाई की रेखा आवेश के कारण ये हमने तीव्रता ज्ञात कर ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए, अच्छे से इसको पढ़ लें। अब देखिए आगे बात करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आया 2020 में सेम कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आया, उससे पहले हम इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखें, सदिश रूप लिखें, तो देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है,
तो सिंपली हमने इसको सदिश रूप में लिखना है, सदिश रूप में, सदिश रूप में इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप सिंपल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ई वेक्टर इक्वल टू बनेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाय आर और इंटू एन कैप। तो ये आपका इसका वेक्टर फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, इसका सदिश रूप बन जाएगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन क्या था, वो भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफी, तो ध्यान दें। क्या था क्वेश्चन कि हमारे पास क्या है, एक अपरिमित लंबाई का रेखा आवेश है, उसके चारों ओर 0.30 मीटर व्यास में। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझा देता हूँ सारी चीजें, डायग्राम से समझा देता हूँ। जो भी क्वेश्चन है 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक आपको अपरिमित लंबाई का रेखा आवेश दिया गया है, ठीक है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व दिया गया था 10^-6 कूलाम पर मीटर, ये रेखीय आवेश घनत्व था। फिर कह रहे थे इसके चारों ओर एक 0.30 मीटर व्यास में, व्यास दिया गया था मतलब डायमीटर गिवन था, व्यास 0.30 मीटर, 0.30 मीटर व्यास था। तो त्रिज्या आ जाएगी क्या होती है, d/2, और d/2 से हम क्या लिखेंगे 0.30/2, तो यह जाएगा 0.15 मीटर। त्रिज्या में एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ये आर मान ली मैंने दूरी, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है जो गतिशील है, इसके चारों ओर गति कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण यहां पर इस पर कैसा आवेश है, +Q आवेश है। तो इन्होंने पूछा ये था कि इस इलेक्ट्रॉन की गति का वेग बतलाइए चारों ओर, ये जैसे मान लो एक रेखा आवेश हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इसका आपको रेखीय आवेश घनत्व 10^-6 है, जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है, जिस वृत्त में गति कर रहा है, उसकी त्रिज्या दी गई है 0.15 मीटर। साथ साथ में आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया था, कितना दिया था, 1.6×10^-19 कूलाम। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया था 9×10^-31 kg। ये वैल्यू जो दी गई थी क्वेश्चन में वो मैंने लिख दी। अब आपसे पूछा था कि जब ये वृत्ताकार गति करता है तो वृत्ताकार गति करेगा तो इसका वेग कितना होगा। तो अच्छे से समझिए कि सबसे पहले तो ये रेखा आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा, तो हमने लिखा रेखा आवेश के कारण, रेखा आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल, रेखा आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल। अब रेखा आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा क्योंकि ये रेखा आवेश क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो इस पर बल लगेगा, और बल कितना लगेगा, QE। और E के बारे में अभी हमने कैलकुलेट किया कि रेखीय आवेश के कारण जो E होता है वो होता है 2K λ/r, इसका फॉर्मूला भी हमने देखा, ये होता है 2K λ/r। तो यहां पे F का मान लिखा Q×2K λ/r, ये पहला समीकरण बन गया। अब ये वृत्त में गति कर रहा है तो वृत्ताकार गति के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जो कौन देगा, ये स्थिर विद्युत बल देगा। तो हम साम्यावस्था में इसमें लिख सकते हैं, साम्यावस्था में क्या लिखेंगे, साम्यावस्था में कि जो अभिकेंद्रीय बल है mv²/r जो है वो स्थिर विद्युत बल के बराबर हो जाएगा, और जो क्या है Q×2K λ/r। और K के बारे में हम अभी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K, सभी की वैल्यू रखें तो K से R से R कैंसिल हो जाएगा, v² की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी 2K Q λ/n, ये v की वैल्यू आ गई। अब इसमें जितने भी वैल्यूज हैं वो सभी पुट कर लें, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखिए v इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट, वैल्यू पुट करें 2K, मतलब 9×10^9, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है एक्चुअली K, Q क्या है आपके पास 1.6×10^-19, ये क्यों हो गया, लेमडा क्या है 10^-6, ये लेमडा हो गया, डिवाइडेड बाय m, m मतलब
एम है आपके पास 9×10⁻³¹ kg, ये हमारा एम की वैल्यू हो गया। अब देखिए आप यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 9 से ये वाला 9 कैंसिल हो गया, -19 और -6 माइनस का 25 हो गया, माइनस के 25 से इसको कैंसिल किया तो 10⁻⁶ हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं ये तो v इज इक्वल टू आपका हुआ अंडर रूट 2×1.6×10⁹ मल्टीप्लाई बाय -6 को ऊपर लिखा तो 10⁻+6। एक जीरो को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं आप तो यह जाएगा रूट में 2×16×, अब ये 9 और 6 15 था क्योंकि एक 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 14 रह गया आपके पास, कितना रह गया 14। कैलकुलेशन समझिए इजी है। फिर देखिए आपकी वैल्यू से भी v इक्वल टू 16 का रूट 4 होता है तो 4√2×10⁷ मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं अगर हम तो v इज इक्वल टू 4×√2 की वैल्यू होती है 1.414×10⁷ मल्टीप्लाई कर ले तो 16 1 कैरी 4 और 1 5 और 3 के बाद डेसिमल है तो 5.656×10⁷ मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। 2020 क्वेश्चन है आरबीएससी मेन में, 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें जिससे वो भी प्रिपरेशन साथ साथ में आपके साथ साथ में वो भी बढ़िया प्रिपरेशन कर सके। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।